पसंद नहीं लगी, जनता से अपील करता हूँ भाई आप नहीं आए थे दिनेश भाई, शमशान के लिए अपनी जान भी दे देगा और अपने घर से कहता हूँ मेरा यही अंतिम संस्कार करें। नमस्कार, मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं P24। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला के शमशान भूमि में, जहाँ पर यहाँ पे आज शमशान भूमि को DDA द्वारा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है ये शमशान भूमि लोगों से पैसे इकट्ठे करके इस शमशान भूमि को बनाया था, और आज मैं आपको दिखा दूँ, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, DDA ने पूरी तरीके से अपना बुलडोजर चलाकर, पीला पंजर चलाकर पूरी तरीके से DDA ने इस शमशान भूमि को तोड़ दिया है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जानिए इनका क्या कहना है इस बारे में। भाई आज जो है ये शमशान घाट जो है अपने नेताजी दिनेश भारद्वाज, राम नारायण, अपने लोकल नेताओं ने, लोकल डीलरों ने और लोकल आम जनता ने मिलकर अपने पैसों से, अपनी कष्ट कमाई से एक एक भाई जोड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग कर ये बनाया था। एक बार आप दिनेश नेताजी की सुनो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह DDA ने पूरे शमशान भूमि को तोड़ दिया। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिक्स है, मैं भी एक छोटा सा राजनीतिक पहलू से आता हूँ, मैं निगम पार्षद हूँ, लेकिन मैं उस सबसे कहना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म का झंडा उठाए घूमते, सब हिंदू धर्म है, हिंदू देश है हमारा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो जिस परिवार का आदमी गया है उन्होंने फूट भी नहीं उठाए, अरे उन्होंने आगे बिल्डोजर चला दिया, इतनी बड़ी कॉलोनियाँ हैं कहीं भी शमशान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ DDA से, LG साहब से भी, SDM से भी, DC से भी, और जो SHO से भी, MP से भी, सबसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है, कहाँ पर है सबसे बड़ा मंदिर? राम मंदिर नहीं है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा शमशान है जिसमें हर हिंदू ने जाना है, और आज इन्होंने इस जनता के दिल पे तो बिल्डोजर चलाया चलाया है, लेकिन आने टाइम पे उन नेता को भी पता लगेगा कि बिल्डोजर कैसे जनता चलाती है, और उन्होंने चला दिया। यहाँ पर पब्लिक नहीं थी पीछे से आके, कभी 4 महीने पहले कोई नोटिस चिपका के चले गए, किसी को सूचना नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ MCD का अपना कारण क्या बताया जा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि DDA की जमीन है। अच्छा। और मैं कहता हूँ DDA की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है, ये हर हिंदुस्तान के नागरिक की जमीन है। यहाँ दुनिया चौकड़ देने, कॉलोनियाँ, प्लॉट सब काट रहे, काटो, हमने कोई दिक्कत नहीं, कोई करो जैसा जो प्रशासन करे उनके साथ घेरे, कुछ भी करे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो जनता ने अपना कष्ट कमाई का एक एक पैसा जमा करके शमशान को बनाया 2-3 साल से, जनता ने पैसा इकट्ठा करके बनाया इसको, जनता ने अपनी कष्ट कमाई से देखा, क्योंकि इस कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी, यहाँ पर सन्नोट कॉलोनी है, प्रेम कॉलोनी कॉलोनी है, संत नगर ये पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट और विशाल एन्क्लेव, काफ़ी यहाँ पर कॉलोनियाँ, गोगा कॉलोनी, कहीं भी शमशान नहीं था, तो दुखी होते थे, रास्ते में रेल की पटरी बनती है तो इस मारी लोगों ने जगह यहाँ पर नशा करते थे, लोग कूड़ा डालते थे, जब ये मना करने के बाद जब स्टार्टिंग करी जब भी मना कर देते नहीं, लोग बनाते, और आप देख सकते हो जिसका बच्चा है, बाप या माँ मरी होगी, वो कल फूल उठाने आएंगे तो कैसे फूल उठाएंगे? इन्होंने ये भी नहीं सोचा जहाँ पर मुर्दा फूकता उसको तो छोड़ दें। लोग आ गए ये बाबा की, इससे बड़ा ये बाबा यहाँ लौट गए, इसमें भी थोड़ा चला दिया, तो कौन सा अधिकारी था भाई, कौन सा नोटिस दिया, MLA को दिया, काउंसलर को दिया, DC को दिया, कहीं तो देना थी सूचना, यहाँ से तो बना नहीं है शमशान। और मैं सब नरेला की जनता से अपील करता हूँ भाई आप नहीं आए थे दिनेश भाई, शमशान के लिए अपनी जान भी दे देगा और अपने घर से कहता हूँ मेरा यही अंतिम संस्कार करें, और इसको दोबारा बनाएंगे प्रशासन में हिम्मत है तो रोक लेगा। मैं LG से अपील करता हूँ, आप जगह जगह बनवा रहे हो मंदिर, जगह जगह मस्जिद बन रही है, जगह जगह शमशान बन रहे हैं, इसी क्षेत्र को कौन शमशान देगा भाई, सबसे बड़ा तो यही है मंदिर। अरे भाई दिनेश भाई ने आज पूरा पूरा वो करा, जो भी इतना बच गई है फोटो, फिर भी बच गई भगवान की दया से। अगर DDA ने, चंदोलिया जी ने, हाँ चंदोलिया ने, मेरे पास न्यूज भी है, अगर भगत जी शमशान को गिर गया तो मैं इसको गिरने दूंगा, या मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास कोई न्यूज भी है, वो वादा करके गया था लेकिन वोट ले गया, लेकिन यहाँ नहीं रोका, इस चंदोलिया ने खुद वहाँ धर्मशाला में आके बोला था, समझा ना? और भाई सब जनता का भैया का रुपया था, सब डीलरा का, सब एक एक पैसा, पूरे स्वतंत्र नगर पैसा दिया था इसका। जो अगर ये सरकारी जमीन पे बना हुआ है तो ये आपके पीछे जस्ट MCD का खत्ता घर बना हुआ है, ये कौन सी जमीन पे बना हुआ है? अगर इसको डालने का उनका अधिकार था, इसको क्यों नहीं है? ये भी डालो साथ के साथ, इसको भी करके जाते, मतलब वो करे तो ठीक है और जनता कुछ करे तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, मूर्ति तोड़ने की परमिशन किसने दिया? जिस तरीके से मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ दी, चिता के ऊपर बुलडोजर चला दिया, उसकी अस्थियां भी नहीं उठाने दी, क्या क्या बताए भाई, हम तो जो है ना, मतलब मैं या तो आत्मदाह कर लेना चाहिए भाई, कोई आदमी ठीक ठाक है, इज्जतदार आदमी है तो उसने आत्मदाह कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए। अपने पास तो बताऊं रोना भी नहीं आ रहा, इतना पीड़ा अंदर से, मतलब दिल इतना दुखा हुआ है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई। सरकारी जमीन पे घेर के हमने यहाँ पे पार्क बना दिया, अपने लिए कुछ बना दिया, ये तो सामाजिक काम है, इससे बड़ा पुण्य काम तो धरती पे नहीं हो सकता। और इसके पे बुलडोजर चला, जिन बंदों ने बुलडोजर चलाया है ना, उनको भी यहीं आके अंतिम अपना समय पूरा करना है,
लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि नरेला क्षेत्र में एक स्वतंत्र नगर में 4 किलोमीटर से पहले कोई भी शमशान भूमि नहीं है, एक बना था और उसको भी आज प्रशासन ने तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह प्रशासन की जो है तानाशाही चल रही है। बताया जा रहा है यहाँ पे शमशान घाट तो तोड़ा ही गया है, साथ साथ जो है यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति भी तोड़ी गई है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरी तोड़ने का प्रयास किया गया है। लोगों का यहाँ पे कहना है जिस तरह यहाँ पे शमशान घाट है, यहाँ पर क्षेत्रवासी के लोगों ने ही अपने पैसे इकट्ठे करके इस शमशान भूमि को बनाया था।